हेलो एवरीवन, अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि प्लेट प्लेट जो होता है ये एक दूसरे के मूव करता है, या तो एक प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है, दूसरे प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? एक प्लेट इधर है, एक प्लेट आगे की ओर खिसक गया, इसको क्या कहते हैं? एक प्लेट इधर जा रहा है और एक प्लेट इधर की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में किया गया था। ठीक है, हैरी हेस ने, विल्सन और मार्गन, मैकेंजी तथा पार्कर आदि विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो मुख्य प्लेट कौन कौन सी है? भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट। ठीक है, छोटे प्लेट कौन सी है? अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, काकोस प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भूपटल मुख्यतः 6 बड़े और 6 छोटे प्लेटों में विभाजित है, तथा यह प्लेट लगातार गति कर रही है। यह प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गति कर रही है। प्लेटों में यह गति तीन प्रकार के संचालित होती है। ठीक है, तीन प्रकार में, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है संरक्षी। तो मैं आपको पहले फर्स्ट बताना चाहूँगा कि अपसारी क्या होता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है। अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। ठीक है, तो आपको एक डिटेल से मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि अपसारी प्लेट में गति में प्लेटों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। इनमें दोनों प्लेटों के मध्य भ्रंश का निर्माण होता है, जिसके सहारे मैग्मा का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर होती है। इससे नवीन भूपट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो मध्य अटलांटिक कटक इस गति में सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ एक कटक निर्माण के साथ ज्वालामुखी क्रिया व समुद्र नितल प्रसार की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो देखिए, एक प्लेट इधर की है, एक प्लेट इधर की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। दूसरा होता है अभिसारी कन्वर्जेंट। दूसरा क्या होता है? अभिसारी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है? अभिसारी गति में दो प्लेट अभिसारी होकर आपस में टकराती है, मतलब अभी कन्वर्जेंट मतलब एक इधर से आया और एक इधर से आया। ठीक है, दोनों क्या हुआ, टकराएगा, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, ये जो होता है यह अभिसारी तीन प्रकार से होता है, महासागरीय महाद्वीप प्लेट में और महासागरीय प्लेट में। ठीक है, महासागरीय मतलब सी। ठीक है, एक होता है महासागरीय और महाद्वीपीय, तीसरा क्या होता है, महाद्वीपीय। महाद्वीप टकराएगा तब होगा डाइवर्स होगा, एक महाद्वीप और सागर मिलकर करेगा तो वो दूसरा होगा, पहला क्या होता है महाद्वीप और महाद्वीप होगा तो ये होगा। ठीक है, तो अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे क्षैतिज होता है तथा कम घनत्व वाला प्लेट संपीडित होने के कारण विलित हो जाता है। प्लेटों का क्षेपण लगभग 45 डिग्री पर होता है, प्लेटों का क्षेपण जो होता है 45 डिग्री पर होता है तथा अधिक गहराई में बेनी ऑफ जोन में जाकर प्लेट पिघल जाता है। जब दो प्लेट समान घनत्व की होती है तो मोटे घनत्व का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखते हैं संरक्षित गति, संरक्षित गति ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि संरक्षित गति में प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में प्रभावित होती है, एक दूसरे के साथ मतलब एक यहाँ प्लेट एक यहाँ प्लेट है, या तो इधर ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। एक दूसरे में क्या होता है, प्लेटों की दिशा गतिशील के प्रमाण करना कठिन है, लेकिन कभी कभी एक दूसरे प्लेट दो दिशाओं में एक साथ गति करती है, जैसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन बीच में घर्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे में गैप है तो उससे भी घर्षण होता है। तो इसके बावजूद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अपना महत्व है, यह सिद्धांत ढंग से करने में सक्षम है। इसके माध्यम से ज्वालामुखी व भूकंप की व्याख्या कर सकते हैं।
क्या होता है जब ये मूवमेंट होता है, तो मान लो एक इधर आया एक इधर गया, तो दोनों में बीच में कुछ गैप बना, कुछ घर्षण हुआ, तो बीच वाला जो क्रैक होता है तो ज्वालामुखी ऊपर की सतह पर आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटों की गति गति तीन गति है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी के आधार पर तीन प्रकार के प्लेटों सीमांत होते हैं। अपसारी गति क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। अपसारी में क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और अभिसारी गति में विनाशी प्लेट का सीमांत क्रस्ट का क्षय हो जाता है अभिसारी में। ठीक है, संरक्षी में क्या होता है, संरक्षी प्लेट सीमांत न तो क्रस्ट का निर्माण होता है न ही क्षय होता है। वो एक मतलब एक दिशा में इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, सिर्फ गैप बन गया लेकिन क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आपने ये सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा दूसरे कॉन्टिनेंटल थ्योरी। ठीक है, और ये हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट है, और जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी आते हैं, और नए सेशन बाद में स्टार्ट करेंगे सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नोट्स से, तो आप इस चैनल पर बने रहें, और बाकी के लेक्चर मैं बना के फिर से डालूँगा। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।